बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लजीज पकवान्स। नाज़रीन, आज हम पनीर टिक्का बनाएंगे। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है और जैसा कि आप लोग जानते हैं रमज़ान आने वाले हैं, तो इफ्तार में भी अगर आप पनीर टिक्का सर्व करेंगे तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी होंगे और देखने में भी भले लगते हैं। तो आइए हम फटाफट शुरू करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमें दही चाहिए, तो हमने तकरीबन 2 कप दही ले ली है। होममेड दही हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज आप मार्केट में से ही दही लें। और इसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। तो तकरीबन हमने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये हमारी इसमें लाल मिर्च ऐड हो गई है। तो मिर्च आप हसब ज़ायका डालिए, अगर आप थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, अदरवाइज़ आप 1/2 टीस्पून ले सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, तो नमक का बैलेंस आपको थोड़ा देखकर करना होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पेपरिका डाल देंगे, तो तकरीबन हम इसमें 1/4 टीस्पून पेपरिका ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लें थोड़ा सा, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। तो चाट मसाला हमने इसमें 2 टीस्पून डाला है। तो चाट मसाले में भी नमक होता है, तो आपको इसलिए थोड़ा देखकर नमक इसमें ऐड करना है कि बैलेंस्ड वे में आपका नमक इसमें ऐड हो। मिक्स कर लेते हैं इसे। ये देखिए नाज़रीन, हमारा दही का एक बहुत ज़बरदस्त सा, जिसमें हम कोट करेंगे अब कुछ अपनी वेजीज और पनीर। तो आपको देखा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने प्याज है, टमाटर है और शिमला मिर्च है। तो हमने ये सीडलेस ले रखी है, इसमें बीज नहीं है टमाटर में भी और शिमला मिर्च में भी। और आपको दिखाए गए अंदाज से इन तीनों चीज़ों को काट लेना है। साथ ही हम इसमें पनीर क्यूब्स भी ऐड कर लेंगे और सब चीज़ों को हम अच्छे से मैरिनेट करने के लिए तकरीबन हम 1 घंटे के लिए साइड रख देंगे। तो 1 घंटे में काफ़ी अच्छा सा इसमें ये अच्छी तरीके से मैरिनेशन हो जाएगा इसका। तो टाइम पूरा हो चुका है नाज़रीन, आइए अब हम इसे स्क्यूअर्स लेते हैं और इसमें हम 1 बाय 1 करके ऑल्टरनेटिवली हम इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हम इन्हें इसमें शिमला मिर्च, प्याज और पनीर डालकर हम एक एक स्कीवर तैयार कर लेंगे, एक एक टिक्के की स्टिक हम तैयार कर लेंगे और साइड में हम रखते जाएंगे। देखिए, तो देखिए हमारे टिक्के की स्टिक्स तैयार हो गई हैं। तो पनीर हमने नाज़रीन 1/2 केजी लिया था, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो 2 तरीके से हम पनीर टिक्का बनाना सिखाएंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास स्क्यूअर्स है तो आप इस तरीके से बनाएं, नहीं है तो फिर हम आगे आपको बताएंगे कैसे। अब हमने एक तवा लिया है, तवे को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, जिसमें हम बटर ऐड कर देंगे। तो ये बटर भी हमारा सॉल्टेड है, तो फिर से आपको याद दिला दें कि नमक और चाट मसाले को आपको देख कर ऐड करना है। और एक बार बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें अपने जितने भी आपके स्क्यूअर्स आ सकते हैं, स्टिक्स आ सकती हैं, हम तवे के ऊपर रखते जाएंगे और इन्हें अलट पलट कर सुनहरा होने तक हम इनको ग्रिल कर लेंगे। तो दोनों तरफ इसमें पनीर पर ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे, तो हम इसे फिर नाज़रीन हटाकर सर्व करेंगे। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, पनीर का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से नाज़रीन
हमारे टिक्के बनके तैयार हुए हैं। बस अब हम इसे हटा कर नाज़रीन सर्व कर लेंगे। अच्छे से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा। और दूसरा तरीका आपके पास अगर नहीं है तो हम ऐसे ही बटर ऐड करेंगे और सिंपली हम ऐसे उसमें सारा अपना बैटर के साथ ही जो हमारा दही का मैरिनेशन का था मसाला एंड एवरीथिंग सबके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पनीर एंड और सारी वेजीज। और इसको हम खुश्क होने तक इस पर हम फ्राई करेंगे। तो ये इसमें बिल्कुल लगा लगा सा मसाला रह जाएगा तो फिर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये भी एक टाइम सेविंग झटपट सी रेसिपी है। आप कढ़ाई लें या तवा लें उसमें ऐसा करके बनाकर जो हमने शुरू में मैरिनेट किया था एक घंटे बाद आप बस एज इट इज़ ऐसा रख दें और इसे अलट पलट कर थोड़ा सा इसे खुश कर दें। ये खुश्क होकर नाज़रीन ऐसा आएगा। ऊपर से आप थोड़ा सा इसमें बंद गोभी को ग्रेट करके ऊपर से आप डाल लें थोड़ा सा तो उससे आपका देखने में भी अच्छा लगेगा। ये तो नाज़रीन आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। कमेंट कर हमें अपने व्यूज ज़रूर दीजिएगा। दीजिए इजाज़त। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।